पाली से बड़ी खबर है, रसायन से भरे टैंकर में आग लगी। चालक को झपकी आ जाने से रसायन से भरा टैंकर पलटा है। ये केमिकल से भरा हुआ था टैंकर। डीजल टंकी फटने से टैंकर में भीषण आग लगी है। चालक ने टैंकर से कूदकर जान बचाई। टैंकर में आग लगने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। आग पर काबू पाने के लिए नगर परिषद की दो दमकल मौके पर पहुंची। गुड़ाइंदला थाना क्षेत्र के कुंदोज के निकट की ये घटना बताई जा रही है। ये घटना जहां पर टैंकर में आग लग गई, केमिकल इस टैंकर में भरा हुआ था और चालक को झपकी आ गई, जिससे जो टैंकर में केमिकल भरा था उस टैंकर के पलटने से इसमें आग लगी है। डीजल की टंकी फट गई, टैंकर में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि चालक समय रहते टैंकर से कूद गया और कूदकर अपनी जान बचाई। टैंकर में आग लगने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए नगर परिषद की दो दमकल मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया गया, क्योंकि ये टैंकर जिसमें केमिकल भरा हुआ था तेजी से इसने आग पकड़ी और क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये टैंकर जा रहा था और उस वक्त जब झपकी चालक को आ गई, उस दौरान देखिए किस तरह से ये टैंकर पलटा, डीजल की टंकी फटी और उसके बाद भयानक आग लग गई। और सुभाष पाली से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए। सुभाष, क्या कुछ जानकारी है? आग पर काबू पाया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या अब दोबारा सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है? मेगा, आपको बताना चाहूंगा कि गुड़ाइंदला थाना क्षेत्र के गुंदूर से राष्ट्रीय राजमार्ग 162 की घटना है। अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। राष्ट्रीय मार्ग को एक तरफा संचालित किया जा रहा है और जो टैंकर जलकर बुरी तरह से नष्ट हुआ है उसे भी हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि चालक ने कूदकर जान बचाने से एक बड़ा हादसा भी टला है, लेकिन जिस तरह से रसायन के भरे टैंकर ने आग लगी थी और उसकी लपटें थी, उसको लेकर लगभग 3 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध रहा है। मेरा सुभाष, क्योंकि आसपास यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और क्योंकि जब इतनी भयानक आग लगी तो ये बहुत आशंका हो सकती है कि इन पेड़ पौधों में इनमें भी आग फैल जाती। हालांकि इसके बारे में क्या कोई जानकारी लग पाई है, क्योंकि दमकल की गाड़ी तो समय पर पहुंच गई? मेगा, निश्चित तौर पर पेड़ पौधों के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास में ही बिल्कुल खेत है जहाँ पर रायडे की और गेहूं की फसलें भी खड़ी थी, लेकिन गनीमत रही कि इन पेड़ पौधों और खेत तक आग नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण बड़ा नुकसान होने से चला है। नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंच गई थी और अब आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष।